पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राहुल अवांछित कारोबारियों से मुलाकात करते हैं। अब आजाद के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। वहीं जयराम रमेश ने आजाद पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, हर गुजरते दिन के साथ गुलाम नबी आजाद अपना असली चरित्र और पीएम मोदी के प्रति वफादारी को दिखाने के लिए नीचे गिरते जा रहे हैं। कि उनका यह बयान इस बात को दर्शाता है कि आजाद खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कितने परेशान हैं। दरअसल गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के एक ट्वीट में अपने नाम का उल्लेख किए जाने से जुड़े सवाल के जवाब में आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनके परिवार के कई ऐसे कारोबारियों से रिश्ते हैं जिनमें कुछ अवांछित भी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता आजाद द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनके किन अवांछित कारोबारियों से संबंध है। उन्होंने कहा कि अवांछित व्यापारी कौन हैं और उनके क्या हित हैं? क्या राहुल गांधी भारत विरोधी व्यापारियों के इशारे पर देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और पीएम मोदी के खिलाफ काम कर रहे हैं? राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।